जी हमारे साथ वकार तैयब मौजूद हैं जो कि वाइल्ड सीन हैं 2016 के। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे उनके एक्सपीरियंसेस को। वकार थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वाइल्ड सी के एक्सपीरियंस रहा आपका? इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस और उसकी दो बातें मुझे ख़ास तौर पे याद हैं। सबसे पहले तो अभी जिस तरह कामरान रिजवी साहब ने जिक्र किया सूरत फातिहा की, उन्होंने मफहूम बयान किया तो मुझे याद है कि फोर्थ डे था और हम डिनर कर रहे थे तो उसमें मैंने एक सवाल किया था। मैं एक कन्फ्यूजन का शिकार था कि मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग्स कर रहा था और बहुत सी अचीवमेंट्स भी थी तो एक कन्फ्यूजन थी कि जब बहुत से लोग आपकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, अचीवमेंट्स होती हैं, सो हाउ यू कीप योर फीट्स ऑन ग्राउंड, कि आप किस तरह अपने अपनी हम्बलनेस शो करेंगे, आप किस तरह अपना दिमाग जो है वो ज़मीन पर ही रखें। तो उन्होंने ये सूरत फातिहा का इसी तरह मफहूम बयान किया था और जो पहली आयत थी उसने तमाम काम कर दिया था कि सब तारीफ़ें जब अल्लाह के लिए हैं तो मेरे लिए पीछे क्या बचता है। और दूसरा उसकी जो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग थी, रेडी गुल का एक गाना वहाँ पे सुनाया गया था जिसमें बताया गया था कि एक फूल है जो कि गुलिस्तान जो एक सहरा में पड़ा हुआ है और एक शख्स जाता है और उसकी तारीफ़ करता है, कहता है तू इतना खूबसूरत फूल है, तुझे तो बाग़ों की जीनत होना चाहिए, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो वो कहता है बाग़ों में तो मुझ जैसे बहुत हैं, मेरी ज़रूरत यहाँ पर है। तो वहाँ से मैंने फ़ैसला किया था कि मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे मुल्तान में साउथ पंजाब में है, जहाँ पे अगर लोग नहीं काम कर रहे तो वो भी हमारा कसूर है। सही, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये मुझे ये बताइएगा कि मुल्तान में नौजवान जो देख रहे हैं आपको वाइल्सी, अगर उनको अटेंड करनी है या आप क्या मैसेज देंगे कि वो क्यों अटेंड करें वाइल्सी? नहीं, हर किसी का अपना पर्पज़ है, जाहिर सी बात है। जो वहाँ पे 300 लोग जाते हैं, 300 दिमाग हैं, 300 रूहें हैं, हर किसी का अपना पर्पज़ है, तो फाइंड योर ओन पर्पज़। आप हाँ ये ज़रूर है कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपको लेना चाहिए ज़िंदगी के अंदर, आप जाएँ और पर्पज़ अपना वहाँ पर ख़ुद एक्सप्लोर करें। सही, थैंक यू सो मच।